हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लास्ट टाइम जो DSSSB का एग्ज़ाम हुआ था 2018 में PGT फाइन आर्ट का वो पेपर लेके आई हूँ, क्योंकि अब DSSSB का एग्ज़ाम आ रहा है, 17 जुलाई को है और सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं यहाँ पे आज आपको पेपर दिखाऊंगी जो लास्ट टाइम PGT में आया था। आपको जो बच्चे फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं तो उनको इस पेपर को देख के आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम किस तरीके का आता है, पेपर कैसे होते हैं, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम है। और दूसरा ये कि ये बहुत सारे बच्चों के लिए इसके क्वेश्चन बहुत यूज़फुल रहेंगे, जो आप TGT PGT की भी तैयारी कर रहे हैं या LT का एग्ज़ाम जो देंगे, तो सारे बच्चों के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो हम इसमें 200 क्वेश्चंस हैं और सारे ही क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, भारत यूनानी कला के संलयन को किस रूप में जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है तो राइट आंसर है यहाँ पे गांधार कला। ग्रीको रोमन मतलब ग्रीक के का प्रभाव जब यहाँ भारत में जो गांधार शैली थी उस पर पड़ा, और बुद्ध की उस टाइम पहली सब कहते हैं कि उस टाइम से बुद्ध को मानवीय रूप में चित्रित करना, उनकी मूर्तियाँ बनाना स्टार्ट हो गया था। तो गांधार कला में वहाँ की जो यूनान में जैसे मूर्तियाँ बनती थी उसका इफ़ेक्ट लेके यहाँ पे भी मूर्तियाँ बनना प्रारंभ हो गया था, तो उसको बोलते हैं गांधार कला। ठीक है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, वर्तमान में निम्नलिखित में से किस देश में मोहनजोदाड़ो सभ्यता क्षेत्र स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर है यहाँ पे पाकिस्तान। ठीक, थर्ड, बर्तनों के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली मुख्य धातु क्या थी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो मुख्य रूप से ताम्र के बर्तनों, मतलब जो धातु होती थी ताम्र धातु, उससे बने बर्तनों का यूज़ करते थे। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता से इस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर है, सिंधु घाटी सभ्यता में तिपतिया ट्रिफाइल अभिकल्पना किससे संबंधित है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर है हमारा प्रतिमाएं, प्रतिमाओं के लिए वहाँ पे तिपतिया शब्द यूज़ किया जाता था। फिर नेक्स्ट है, ईंट की दीवारों को सुदृढ़ करने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक विधि का उपयोग करते थे जो वर्तमान में जानी जाती है। ठीक है, तो वो किस नाम से जानी जाती है, उसको बोलते हैं अंग्रेजी बॉन्ड। फिर नेक्स्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुजारी राजा प्रीस्ट किंग। ठीक है, अब सभी ने ये वाली स्कल्पचर देखा होगा, पुजारी राजा प्रीस्ट किंग की अवाक्ष प्रतिमा का निर्माण करने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो राइट आंसर है यहाँ पे सेलखड़ी पत्थर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जो भी बच्चे TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट है, द टर्म फायंस इज रिलेटेड टू। ठीक है, ये टर्म यूज़ किया जाता फायंस पॉटरी के लिए, ये एक ग्लेस सेरेमिक का रूप होता है, मतलब एक प्रकार से सेरेमिक मटेरियल होता है फायंस, और इसका यूज़ लगभग 400 ईसा पूर्व पहले से, जब मिस्र की जो सभ्यता थी वहाँ पे पाए जाने वाले बारीक चमकते हुए सिरेमिक के जो मोती होते थे और जो और दूसरी प्रीसियस चीज़ें होती थी उनके लिए यूज़ होता था। ठीक है, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी यूज़ हुआ है। तो फायंस जो शब्द है ये किससे के लिए से संबंधित है, पॉटरी से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी परंपरा हड़प्पा की परंपरा नहीं है, महिलाओं द्वारा दाहिनी बाएं तक चूड़ियां पहनना। ये तो है, क्योंकि हम लोग को जो वो मिली है लेडी फिगर मिला है वहाँ पे देखा है हम लोगों ने, उसके हाथ में यहाँ तक जो चूड़ियों जैसा कुछ पहने हुए है, तो ये तो फर्स्ट वाला एकदम है कि ये परंपरा है। ठीक है, महिलाओं द्वारा विभाजित केशों के मध्य भाग में सिंदूर लगाना ये भी है। फिर है, नमस्कार की मुद्रा में एक दूसरे को वंदन करने की प्रथा ये भी है। तो राइट आंसर है यहाँ पे वट वृक्ष की पूजा करना, इस टाइप का कोई भी वहाँ पे साक्ष्य नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, सारनाथ म्यूजियम में। ठीक, नेक्स्ट है, नक्काशीदार पत्थर की मोहरे सिंधु घाटी सभ्यता के
पुरातत्वविदों द्वारा की गई खोजों में से एक थी इन वर्गाकार मुहरों का आकार क्या था, जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुहरें प्राप्त हुई थी उनका साइज पूछा है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी आ चुका है। तो राइट आंसर है यहाँ पे 3/4 इंच से एक सही 1/2 इंच तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवधि के दौरान पहली बार किसी देवता का मानव वंशीय स्वरूप प्रकट हुआ था। ठीक, तो सबसे पहले मोहनजोदाड़ो काल से जो अवाक्ष प्रतिमाएं प्राप्त हुई थी उसमें मानव स्वरूप सबसे पहले देखने को मिला था। फिर नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का विशालतम बंदरगाह डॉकयार्ड कहाँ पाया गया है। देखिए मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सिंधु घाटी से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो वो था बंदरगाह, विशाल बंदरगाह, वो पाया है हमारा लोथल में। और उस टाइम जो बहुत बड़ा विशाल बंदरगाह था, और क्योंकि उस टाइम जो मेसोपोटामिया, रोम और मिस्र, उन सब के साथ समुद्री मार्ग से व्यापार होता था। और फिर ठीक है, तो राइट आंसर है यहाँ पे लोथल। ठीक, लोथल का 1955 से 62 के बीच में एसआर राव इन्होंने यहाँ की वो करवाया था यहाँ उत्खनन कार्य। ठीक है, फिर उसके बाद लोथल इसमें बंदरगाह की खोज हुई। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा छोड़ी गई सर्वाधिक प्रभावशील रचना निम्नलिखित में से क्या थी। यह निर्माण में उनके तकनीकी कौशल को दर्शाती है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमें मिला है उत्खनन से वहाँ का विशाल स्नानागार। ठीक, विशाल स्नानागार मिला है। फिर नेक्स्ट है, हड़प्पा स्थल का उत्खनन करने वाले पहले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे। ठीक, पहले व्यक्ति कौन थे, तो हड़प्पा स्थल को सर्वप्रथम देखा था सर अलेक्जेंडर कनिंगम ने। ठीक है, और यहाँ की खोज जो यहाँ पे उत्खनन कार्य कराया था सबसे पहले वो वो दयाराम साहनी ने करवाया था। ठीक है, 1921 में। ठीक, ये भी पूछते हैं कई बार, और इसमें जैसे दयाराम साहनी का नाम नहीं दिया है, अलेक्जेंडर कनिंगम का दिया है, तो सर्वप्रथम कहते हैं उन्होंने ही स्थान को देखा था। ठीक, फिर इसके मतलब हड़प्पा के लिए दो तीन चीज़ें और भी इम्पॉर्टेंट है कि जैसे दयाराम साहनी का नाम आता है उस, ये सभी को पता है 1921 में। इसके अतिरिक्त भी माधव स्वरूप और मार्टिमर वीबलर इन दोनों ने भी यहाँ पे खुदाई कराई थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल मैं नहीं बता पाऊँगी आपको, क्वेश्चन मैं दिखा दे रही हूँ जहाँ पे वो है। हड़प्पा कला की खोजों से रंग चित्रकारी पर प्रत्यक्ष है। ठीक है, तो हड़प्पा कला जो हमें देखने को मिली है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे, वहाँ के जो पात्र, मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं उनमें ही चित्रकारी की गई है, उसमें फूल पत्तियों से अलंकरण मिला है। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ मिली है, मिट्टी के बर्तनों से देखने को मिली है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का चरित्र कैसा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो हमारी कैसी थी, वो नगरी सभ्यता थी, जिसको शहरी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ा विशाल स्नानागार मिला, चौड़ी चौड़ी जो वो मिली थी, नालियाँ मिली थी, और पक्की ईंटों का जो प्रयोग हुआ है वो सब देख के वहाँ अनुमान लगाया गया कि ये एक शहरी सभ्यता थी, वहाँ पे लोग रहते थे। नेक्स्ट है, मथुरा प्रतिमाओं के निर्माण में निम्नलिखित में से किन पत्थरों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो मथुरा जो प्रतिमाएं मिली हैं वहाँ पे बुद्ध की, वो किसकी हैं, सबसे ज़्यादा लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध दीदारगंज यक्षी प्रतिमा कहाँ स्थित है। ठीक है, दीदारगंज यक्षी के लिए भी बहुत बार आता है, दीदारगंज यक्षी इम्पॉर्टेंट है, ये है पटना संग्रहालय बिहार में, और ये मौर्य काल की है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो पॉलिश जो हुई है, मौर्यकालीन जो पॉलिश है वो, उसके लिए पूछा जाता है कई बार कि इसमें कौन सी पॉलिश हुई है दीदारगंज यक्षी में, और इसकी अगर लंबाई भी पूछता है कई बार, तो ये 64 इंच लंबी है। ठीक है, एक सिंगल स्टोन में बनी हुई है, फ्री स्टैंडिंग सैंड स्टोन है, सैंड स्टोन से बनी है, कई बार ये पूछा गया है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट है, हड़प्पा की पुरुष आवाक्ष प्रतिमा कला मेल टॉर्सेज स्कल्पचर प्रतिमा की ऊंचाई क्या है। देखिए, एक तो वो मिला था जो उसका था टॉर्सो, और एक ये मिला था पुरुष आवाक्ष प्रतिमा, मतलब हाफ पूरा मिला था, एक तो धड़ तक का मिला था, एक दूसरा था आवाक्ष प्रतिमा जो हाफ था, वो कितना उसकी पूछी है, वो है 9 सेंटीमीटर का। ठीक है,
और किस इसमें कई बार अगर कलर भी पूछता है तो वो रेड था, रेड स्टोन का। ठीक, फिर है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके लिए हड़प्पा सभ्यता सामग्रियों गारे और खरिया मिट्टी का प्रयोग किया? ठीक है, खरिया मिट्टी को जिप्सम और गारे को बिटुमेन बोलते हैं। तो ये यहाँ पे ईंटों के लिए प्रयोग किया जाता था, ईंटों में ये ईंटों के ऊपर जो एक तरीके का लेप जैसा होता था वो गारे का बना हुआ, मतलब गारे से निर्मित करी जाती थी ईंटें। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित गुफाओं में से किस गुफा में प्रसिद्ध भित्ति चित्र बोधिसत्व पद्म पाणि चित्रित किया गया था? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, अजंता में सबसे नंबर वन गुफा में पद्म पाणि बोधिसत्व का चित्र मिला है। नेक्स्ट है, एलोरा में चट्टान काटकर कैलाश नाथ का बनाया मंदिर किसने बनवाया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, और टाइम पीरियड भी अगर पूछता है कई बार तो 8वीं सदी ईस्वी में बना था। ठीक है, राजा राष्ट्रकूट राजाओं ने बनवाया था। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, एक दो बार आया है क्वेश्चन में कि एलोरा में मतलब पैनल कितने हैं, तो वहाँ पे 5 टोटल प्रांगण ऐसे अलग अलग हैं, और उसमें से पूछा जाता है कई बार कि रामायण और महाभारत का भी पैनल है वहाँ पे। ठीक है, अगर ऐसे घुमा के भी आता है तो वहाँ पे क्या है, रामायण महाभारत का पैनल है, गंगा यमुना सरस्वती का भी पैनल है। तो इस टाइप से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उत्तर भारतीय मंदिरों की वास्तुकला के लिए क्या नाम दिया गया है? जो उत्तर भारत मंदिर हैं उनके जो आर्किटेक्चर स्टाइल है टेंपल्स का, वो होता है नागर शैली में। ठीक है, नागर शैली का सबसे अच्छा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है खजुराहो के मंदिर। ठीक है, और उसके बाद भुवनेश्वर में जो लिंगराज टेम्पल है वो सब भी नागर शैली में ही बने हुए हैं ज़्यादातर। फिर ये तो आप लोग को पता होगा, 3 शैलियाँ होती हैं, नागर होती है, द्रविड़ होती है, वेसर शैली भी होती है, और उसके बाद कहीं कहीं मिश्रित शैली भी देखी जाती है मंदिरों में। दक्षिण भारत के मंदिरों में मुख्यतः जो होती है वो द्रविड़ शैली होती है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारतीय कांस्यों के बीच निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रसिद्ध ज्ञात कांस्य प्रतिमा है? ठीक है, तो दक्षिण भारत में कांस्य प्रतिमाओं का बहुत ज़्यादा निर्माण हुआ है, और जिसमें इम्पॉर्टेंट है तिरुवलंगडु के नटराज के रूप में शिव। ठीक है, शिव की मूर्ति वहीं से प्राप्त हुई है, चोल काल की भी है वहाँ की। फिर नेक्स्ट है, तंजावुर में प्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ठीक है, ये है हमारा हिंदू टेम्पल है, ये भी एक दो बार पूछा गया है, जो बृहदीश्वर मंदिर है ये क्या है, हिंदू टेम्पल है, और ये चोल राजाओं के द्वारा बना था। ठीक, तमिलनाडु में है, तंजौर में। फिर इसका टाइम पीरियड भी है कि अगर 1003 से 1010 ईस्वी के बीच में बना था। इस मंदिर के लिए ये भी कहा जाता है कि ये वो जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। उसके अलावा इसके पास में ही 2 अन्य मंदिर भी हैं, उसके नाम भी आप लोग लिख सकते हैं, गंगाई कोडा चोलापुरम मंदिर और एरावतेश्वर मंदिर। ये दोनों मंदिर भी कई बार क्योंकि पूछे जाते हैं कहाँ पर हैं, तो ये दोनों मंदिर कहाँ पे हैं, तंजौर में ही बृहदीश्वर जो मंदिर है उसके पास में ही लगभग 70 किलोमीटर दूर पे ही ये दोनों मंदिर भी हैं, गंगाई कोंडा और एरावतेश्वर मंदिर, दोनों हिंदू मंदिर हैं ये भी। ठीक, फिर नेक्स्ट है, किसके काल के दौरान टेराकोटा रंग चित्र की परंपरा आरंभ हुई थी? तो गुप्त काल में, जो गुप्त राजाओं थे उनके शासन काल में ही टेराकोटा के रंग चित्र की परंपरा स्टार्ट हुई थी। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंदिर में कुंभ पंजर का वास्तुकला तत्व प्रायः प्रकट होता है? तो कुंभ पंजर पहले समझ लेते हैं क्या होता है। कुंभ पंजर उसको बोलते हैं जो डेकोरेटिव मोटिव्स होते हैं, मीन्स पत्तियां होती हैं या स्टाइलिस्ट फॉर्म में फ्लावर होते हैं, तो जो ये डेकोरेटिव मोटिव होते हैं जो टेंपल के आउटर वॉल में, मतलब जो बाहरी दीवारें होती हैं मंदिरों की, उनमें कर्व्ड किए जाते हैं, मतलब उनको रिलीफ करके, मतलब खोद के वहाँ पे उसकी डिज़ाइन बनाई जाती है, तो उसको बोलते हैं कुंभ पंजर। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं, जो डेकोरेटिव मोटिव्स होते हैं मंदिरों की आउटर वॉल में, ठीक है, उसको बोलते हैं कुंभ पंजर। और ये सब कहाँ पे सबसे ज़्यादा, जो दक्षिण भारत के शैली के मंदिर हैं, द्रविड़ शैली के मंदिर हैं, उनमें बनते हैं। ठीक है, और ये हाई रिलीफ होता है, बहुत ज़्यादा अंदर से खोद के, मतलब डिज़ाइन पत्तियाँ और फ्लावर और भी जो अलग अलग डेकोरेटिव मोटिव्स होते हैं वो करके बाहर दीवारों को सजाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है,
निम्नलिखित अजंता गुफाओं में से कौन सी गुफा रावण की खाई के नाम से जानी जाती है? ये क्वेश्चन आई थिंक मिसप्रिंट है, क्योंकि अजंता गुफाओं के पास नहीं, ये है एलोरा गुफाओं के पास रावण की खाई। ठीक है, तो रावण की खाई जो है वो एलोरा गुफाओं के पास है थोड़ी दूर पे, उसको गुफा नंबर 14 में, वो किसकी गुफाओं में है? एलोरा की गुफाओं में रावण की खाई। फिर है जातक कथाओं का संबंध है, जातक कथाओं का संबंध किससे है? जातक कथाएं क्या होती हैं? जो बुद्ध के जीवन से, बुद्ध की जो जीवन में जितनी घटनाएं घटी होती हैं उनसे संबंधित, उनके अलग अलग अवतारों पर आधारित होती हैं, और इनसे रिलेटेड जो भी पैनल चित्र बने हैं वो सारे अजंता की दीवारों में बहुत अच्छी चित्रकारी हुई है। नेक्स्ट है मामल्लपुरम में मुक्त नक्काशी गंगा अवतरण किस काल के दौरान निष्पासित की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने जो पिछले वीडियो भी आपको दिखाए उनमें भी ये कई बार पूछा जाता है गंगा अवतरण के बारे में गैन। ठीक है, तो ये है हमारा पल्लव राजाओं के शासनकाल में बना था। ठीक, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे जो ये है गंगा अवतरण, इस पर बहुत बड़े पैनल पे इस पर बनाया है, अलग अलग उसमें स्टोरीज़ हैं। उस पर एक फेमस ये भी है मंकी फैमिली का, एक कई बार पूछा जाता है मंकी फैमिली, तो मंकी फैमिली भी है हमारी गंगा अवतरण वाले पैनल में। ठीक है, फिर है सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष निम्नलिखित में से किस सामग्री से बना है? ठीक है, सारनाथ में जो सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष है वो किस तो सारनाथ में जो अशोक ने स्तंभ बनवाया था, मतलब उसका जो ऊपरी हिस्सा है स्तंभ शीर्ष भाग यानी ऊपरी हिस्सा जो है वो सिंह चतुर्मुख, जिसमें चार शेर सिंह पीठ से पीठ सटाए हुए खड़े हुए हैं, तो ये है हमारा चुनार चूना पत्थर से। ठीक है, राइट आंसर इसका चुनार चूना पत्थर। और इसके लिए भी पूछते हैं कई बार कि किस संग्रहालय में है, तो जो इसका शीर्ष भाग है जो मतलब जो ओरिजिनल है वो तो उसी जगह बना है जहाँ बनवाया था अशोक ने, लेकिन जो इसका ऊपरी शीर्ष भाग है वो कहाँ पर है? वो सारनाथ संग्रहालय में रखा हुआ है। कई बार ये पूछता है कि किस संग्रहालय में, तो ये है सारनाथ संग्रहालय में। ठीक है, और ये भी पता होगा कि जो इसका मतलब जो ये सिंबल है इसका कहाँ यूज़ हुआ है? हमारे जो राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में। ठीक है, फिर है नेक्स्ट है सुल्तानगंज की खड़ी स्थिति में बुद्ध प्रतिमा बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया गया था? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए भी कई बार पूछता है, तो ये हमारी किस में है? ताम्र, कॉपर में। ठीक है, पूरी फ्री स्टैंडिंग है बुद्धा यहाँ पे, और ये इसके लिए ये कहा जाता है कि ये कई बार पूछा जाता है इसके लिए कि ये किस म्यूज़ियम में संग है, तो इसके राइट आंसर है ये है बर्गिंगम म्यूज़ियम इंग्लैंड में। ठीक, और किस कैसा है? ताम्र का यानी कॉपर। ठीक है, फिर है देवी जगदम्बा मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो देवी जगदम्बा मंदिर है वो है खजुराहो में। ठीक, खजुराहो में है ये, नागर शैली स्टाइल खजुराहो के मंदिरों के लिए अगर पूछता है, तो उत्तर भारतीय जितने मंदिर हैं उनकी कौन सी स्टाइल है? नागर शैली के हैं। फिर है उस राजा का नाम बताइए जिसने पहली बार पूर्वी भारत में एक गुफा की खुदाई की आज्ञा दी थी। ठीक, तो अशोक ने सबसे पहले पूर्वी भारत में जितने भी वहाँ गुफाएं और भी चीज़ें थी उनकी खुदाई की आज्ञा दी थी। फिर नेक्स्ट है अजंता में महाकपि जातक रंग चित्रकारी निम्नलिखित में से किस गुफा में की गई है? तो महाकपि जातक है अजंता की 17 नंबर गुफा में। फिर नेक्स्ट है अजंता गुफाओं में कितनी गुफाएं पाई गई हैं? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, तो अजंता गुफाओं में हमारी 29 गुफाएं पाई गई हैं, कहीं कहीं पे 30 ऑप्शन भी दिया होता है, तो वो भी हमारा राइट है, क्योंकि वहाँ पे कुछ एक दो गुफाएं जो हैं उसमें ए और बी करके भी गुफा है, इसलिए अगर 30 भी है ऑप्शन में तो भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मथुरा कला शैली के प्रारंभिक ब्राह्मणिक स्वरूप की पहली आकृति थी? ठीक है, तो मथुरा स्टाइल में सबसे पहले अर्धनारीश्वर की जो प्रतिमा थी, आकृति थी, वो ब्राह्मणिक स्वरूप की आकृति थी। ठीक, फिर नेक्स्ट है मानव रूप में देवी गंगा और यमुना नदी की छवियां
हिंदू मंदिरों के द्वारा द्वारों पर दृष्टवित इस प्रतिमा कला संबंधी कला के लिए श्रेय निम्नलिखित में से किस राजा को दिया जाता है? तो जो गुप्त काल था वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था किसके लिए? मंदिरों के लिए। सर्वाधिक मंदिर बने थे हमारे गुप्त काल में, और वहाँ पे जो द्वार होते थे, जो हिंदू देवी हिंदू मंदिर होते थे देवी देवताओं के, उसके जो मतलब इंट्रेंस होता था, द्वार होता था, वहाँ पर ऊपर स्पेशली गंगा और यमुना की छवियाँ बनाई जाती थी। ठीक है, तो ये विशेष रूप से किस काल में होता था? गुप्त काल में। फिर नेक्स्ट है, बुद्ध की पहली प्रतिमा किस काल में प्रकट हुई है? तो बुद्ध की जो फर्स्ट स्कल्पचर था वो किस काल से? कनिष्क काल से। उसके पहले क्या होता था? वो केवल उनके सिंबल के रूप में ही उन्हें चित्रित करते थे। तो राइट आंसर है यहाँ पे कनिष्क काल। कनिष्क काल से वो स्टैंडिंग फ्री स्टैंड और उनका हेड, ऐसे अलग अलग उनके रूप में उनकी मूर्तियाँ बनने लगी थी। फिर है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो ब्लैक पगोड़ा नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर है, चोल काल के दौरान निम्नलिखित में से किस देवता की प्रतिमाएं व्यापक स्तर पर कांस्य में बनाई गई थी? तो चोल काल के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? चोल काल में शिव की मूर्तियां सबसे ज़्यादा बनी थी। ठीक, फिर नेक्स्ट है, तारीफ ए हुसैन शाही पांडुलिपि निम्नलिखित में से किस शैली में लिखी गई थी? ठीक है, तो राइट आंसर है यहाँ पे अहमद नगर। ठीक, नेक्स्ट है, महेश एक चित्रकार था। ठीक, महेश एक चित्रकार था जो किस शैली से संबंधित था? तो महेश था चंबा शैली से। ठीक है, और चंबा शैली के लिए अगर पूछता है तो चंबा शैली के लिए राजा उम्मेद सिंह का बहुत नाम आता है। उनके शासनकाल में सबसे ज़्यादा मतलब चित्र शैली का विकास हुआ था। और अगर इसके लिए पूछता है कि चंबा शैली के बहुत से भित्ति चित्र भी प्राप्त हुए हैं, तो जो भित्ति चित्र हैं वो कहाँ पे हैं अगर पूछता है, तो उसके अवशेष कहाँ पे हमें? नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है, फरकू एक चित्रकार था जो किस शैली से संबंधित था? तो फरकू जो था वो हमारा कांगड़ा शैली से संबंधित थे। कांगड़ा शैली, राजा संसार चंद। तो जितनी ये शैलियाँ हैं वो किसके शासनकाल में फली फूली, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये ज़रूर याद रखनी है आपको। और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट उस काल में मतलब चित्रकार थे, जैसे कांगड़ा शैली में और भी बहुत इम्पॉर्टेंट थे, जैसे फुरकू था और मानकू था, कुशन लाल था, और क्या खुशाला था, ये इस टाइप के बहुत सारे आर्टिस्ट थे जिन्होंने बनाया था, लघु चित्रकारी करी थी। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या थी कि जैसे उनका राधा और उनका कृष्ण का बहुत ज़्यादा चित्रण हुआ है, जैसे उसमें फिर अलग अलग काव्यों पर आधारित, जैसे रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नल दमयंती। तो ये जो काव्य थे, कई बार इसका नाम दे के भी पूछ लेता है कि ये किस लघु चित्रण में मतलब लघु चित्रकारी में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है, या सबसे ज़्यादा सॉरी चित्रण हुआ है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और कांगड़ा शैली की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो बनी ठनी। ठीक है, बनी ठनी के लिए भी पूछते हैं, तो बनी ठनी किस काल की है? हमारी कांगड़ा की। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में धातु के प्रतीकों को ढालने की कला व्यापक रूप से किसके काल में देखी गई थी? ठीक, तो तमिलनाडु का नाम है तो चोल राजवंश में, क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्रॉन्ज स्कल्पचर बने थे, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। निम्नलिखित में से किस शैली में महिला सौंदर्य की महिमा अपने शिखर तक पहुंची थी? तो जो सर्वाधिक मतलब अच्छा और सौंदर्यपूर्ण चित्रण हुआ है जो मिनिएचर पेंटिंग में, वो हुआ है कांगड़ा स्टाइल में। कांगड़ा जो वो थी शैली, उसमें जो जितनी भी लेडी फिगर बनी है वो बहुत अच्छी, उसमें बड़ी बड़ी आँखें, सुंदर सा चेहरा, कोमल से उनके होंठ, ये सारी विशेषताएं कांगड़ा स्टाइल में देखी गई हैं, जो महिला सौंदर्य मतलब जो नारी आकृतियां होती हैं उनको बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। ठीक, कांगड़ा स्टाइल का एक भगवत पुराण का कई बार पूछा जाता, भी याद आ गया मुझे कि भगवत पुराण किसमें इसके चित्र देखे गए हैं, तो वो है हमारा कांगड़ा स्टाइल में। फिर है, नेक्स्ट है, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसको रसमंजरी चित्रण कार्य प्रारंभ करने का कार्य सौंपा गया था। तो रसमंजरी का काम सौंपा गया था देवीदास को। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर है जहां रावण और जटायु के बीच
प्रतिमा युद्ध की रचना नक्काशी द्वारा प्रतिमा कला में की गई है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और रावण और जटायु के युद्ध का जो है रचना, वो हमारी एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर में मिली है। ठीक, फिर नेक्स्ट है, होयसल मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया था? तो होयसल मंदिर का निर्माण किया गया था हेलेबिड में। ठीक है, होयसल मंदिर का निर्माण किया गया था हमारा हेलेबिड। ठीक है, तो ये होयसल मंदिर हो गया हमारा हेलेबिड में, और कहाँ पे, ये कर्नाटक। ठीक है, और यहाँ पे ये कैसा हिंदू टेंपल है, हिंदू टेंपल आर्किटेक्चर है यहाँ पे, और किसके मतलब काल में बना था, तो होयसल एम्पायर में। ठीक है, 11 से 14वीं सदी में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिमा गुप्त काल की विशालतम धातु प्रतिमा है? तो गुप्त काल की जो विशालतम यानी सबसे बड़ी जो धातु प्रतिमा मानी जाती है, वो सुल्तानगंज की खड़ी स्थिति में बुद्ध, इसका पहले भी क्वेश्चन अभी आ चुका है मैंने जो आपको बताया, कहाँ पे है, समय कहाँ रखी हुई है, बर्गिंगम म्यूजियम इंग्लैंड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, और 21 में है, कॉपर में है ये पूछा गया था, तो इस टाइप की, और गुप्त पीरियड की है, ये सारी चीज़ें इसकी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, दाखिल दरवाज़ा कहाँ स्थित है? ठीक है, तो दाखिल दरवाज़ा हमारा कहाँ पे है? दाखिल दरवाज़ा है हमारा बंगाल में। दाखिल दरवाज़ा मींस इंट्रेंस गेट, जैसे इसका हिंदी में हुआ इंट्रेंस गेट, इज द ये सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है, आर्किटेक्चर स्टाइल का लार्जेस्ट माना जाता है, जो कहाँ पे है, बंगाल में। नेक्स्ट है, चित्रकार नैनसुक का नैनमुख लिखा नैनसुक है का संबंध निम्नलिखित में से किस शैली से है? ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट शैली है ये भी, गुलेर शैली। गुलेर शैली से नैनसुक का संबंध है, और कांगड़ा शैली का मतलब जो गुलेर शैली को ही कांगड़ा शैली का विकसित रूप मानते हैं, मतलब जैसे गुलेर शैली के बाद कांगड़ा शैली आई, तो कहते हैं गुलेर शैली का जब अपने चरम पे पहुंची, उसके बाद उसका नाम हो गया कांगड़ा शैली, कांगड़ा शैली मानी गई। तो गुलेर शैली के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये थी, और गुलेर शैली में कौन थे, राजा गोवर्धन चंद। ठीक है, उन्होंने ही मतलब इस शैली का विकास करवाया था स्टार्टिंग में, और उनके काल में सबसे ज़्यादा रामायण महाभारत इन सब से संबंधित घटनाओं, और नायिका भेद तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक था, ये सारे मतलब जो विषय थे इन पे चित्रण हुआ है। नेक्स्ट है, प्राचीनतम विद्यमान मस्जिद दिल्ली में किसके द्वारा बनवाई गई थी? ठीक है, तो प्राचीनतम विद्यमान मस्जिद मतलब जो अभी भी है प्राचीन समय से, तो कौन है वो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। कौन सी है वो, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई। फिर नेक्स्ट है, लघु चित्र ग्रीष्मकालीन हाथी निम्नलिखित में से किस शैली से संबंधित है? तो ग्रीष्मकालीन हाथी संबंधित है हमारा बूंदी शैली से। ठीक है, बूंदी शैली में बना हुआ था ये, क्योंकि बूंदी शैली में कहते हैं कि बहुत सारे शिकार से संबंधित बहुत से चित्र बने थे। बूंदी शैली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान में जो भी चित्रण हुआ है उसमें जो बूंदी शैली थी उसमें श्रृंगार विषयक भी बहुत सारे चित्रण हुआ है, और पशु पक्षियों का बहुत ज़्यादा मतलब एक रियल या यथार्थ जिसको बोलते हैं सजीव चित्रण हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बूंदी शैली की इम्पोर्टेंट रही है। और बूंदी शैली का एक क्वेश्चन बहुत आता है कई बार, राग दीपक। ठीक है, अगर पूछता है राग दीपक कहाँ पर स्थित है, तो राग दीपक है हमारा भारत कला भवन वाराणसी में। ठीक है, ये सुरक्षित है, कई बार पूछा गया, इम्पोर्टेंट है, इसलिए मुझे याद आ गया कि जो राग दीपक चित्र है वो कहाँ पे है, वो भारत कला भवन वाराणसी में है। ठीक, नेक्स्ट है, द पेंटिंग वर्शिप ऑफ माउंट गोवर्धन। ठीक, वर्शिप ऑफ माउंट गोवर्धन कहाँ, किससे संबंधित है, किस स्कूल से, वो है कांगड़ा शैली से। ठीक, कांगड़ा शैली का है ये, इसमें जो कृष्ण जी की जो गोवर्धन पर्वत उन्होंने उठाया था उसके बाद उसकी पूजा करने का इस पे चित्रण है। तो ये जो कृष्ण से संबंधित ज़्यादातर चीज़ें किसमें हैं, कांगड़ा शैली में सबसे ज़्यादा इसका चित्रण हुआ है, क्योंकि महाभारत और रामायण से संबंधित विषयों का, यानी महाभारत से संबंधित तो कृष्ण जी से संबंधित हो गया, तो ज़्यादातर चीज़ें कृष्ण जी से संबंधित इसमें हुई हैं। और राजा संसार चंद फेमस थे किसके लिए, कांगड़ा शैली के लिए। कांगड़ा शैली के मैंने भी बताया बहुत सारे जो कलाकार थे, इस पर भी बहुत क्वेश्चन बनता है, जैसे खुशाला, मनकू, फत्तू, ये सब इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है, गढ़वाल शैली निम्नलिखित में से किस शैली के समान थी? तो गढ़वाल शैली थी हमारी कांगड़ा शैली के समान। ठीक है,
गढ़वाल शैली का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें दो कलाकार का नाम सबसे ज़्यादा आता है, एक है श्यामदास और एक ये हैं हरदास। ये जो चित्रकार थे, कहा जाता है कि ये मतलब औरंगजेब जो था उसके मतलब उसके दरबार से निकाले गए थे, ठीक है, और उनको कहाँ आश्रय मिला था, यहाँ गढ़वाल में। और उन्हीं मतलब उसके बाद आगे चल के एक मौला राम का नाम भी बहुत ज़्यादा आता है गढ़वाल शैली में, ठीक। तो ये कलाकार ज़रूर पूछता है, तो जितने भी लघु शैलियाँ हैं मतलब जो लघु चित्र शैली हैं उनके कलाकार आपको याद करने पड़ेंगे हर उसका। फिर नेक्स्ट है रंग चित्रकारी बनी ठनी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बनी ठनी निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, तो बनी ठनी हुई थी निहाल चंद के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है, किसके द्वारा बनाई गई थी, निहाल चंद के लिए। ये भी इम्पॉर्टेंट है, देखिए लघु चित्रण जितना भी है जैसे राजस्थानी है और इसकी है मुगल शैली की है या इसके कांगड़ा और इन सब की है, तो ये इम्पॉर्टेंट हैं ये सारी शैलियाँ, इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है अलग अलग तरीके से। और जो बनी ठनी थी किशनगढ़ शैली की थी, सभी को पता है इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे भारतीय मोनालिसा भी कहते हैं, तो कुछ इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम राजस्थानी शैली थी, तो जो प्राचीनतम यानी सबसे पहली राजस्थानी शैली कौन सी थी, मेवाड़ शैली, ठीक है, मेवाड़ शैली। और मेवाड़ शैली के लिए पूछते हैं, तो जो मेवाड़ शैली का कहते हैं आरंभिक जो मतलब स्टार्टिंग का सबसे पहला चित्र था, कई बार पूछा गया है, जो अपभ्रंश शैली में निर्मित था, जो जैन ग्रंथ उसका नाम था सुपार्श्वनाथ चरितम, ठीक है, सुपार्श्वनाथ चरितम था, वो प्राप्त हुआ। और उसका टाइम पीरियड भी पूछता है, वो है 1423, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है पंचमहल कहाँ बनाया गया था, तो जो पंचमहल है वो कहाँ पे है, फतेहपुर सीकरी में, आगरा से थोड़ी ही दूरी पे है, फतेहपुर सीकरी बनवाया था उसने अकबर ने, वहीं पे है पंचमहल, ठीक। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्ली वर्जन ऑफ सोमस कंद रिलीफ पैनल एट मामल्लपुरम, ठीक है, तो जो मामल्लपुरम यानी जो महाबलीपुरम का ये रिलीफ स्कल्पचर उसके बारे में पूछ रहा है, वहाँ पे टेंपल है, रथ टेंपल है, तो उसमें से पूछ रहा है जो अर्ली सबसे पहला प्रारंभिक था वो कौन सा था, वो था धर्मराज रथ। वहाँ पे अलग अलग रथ टेंपल पाए गए हैं, जैसे द्रौपदी रथ भी है, अर्जुन रथ भी है, भीम रथ है और धर्मराज रथ है, तो सबसे पहले का कौन है, धर्मराज रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा श्रृंगार कविता के आध्यात्मिक उपदेश पर आधारित चित्र स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किसमें परिलक्षित होते हैं, ठीक है, तो जो श्रृंगार कविता यानी श्रृंगार विषय से संबंधित होते हैं वो किसमें होते हैं, रसमंजरी में। रसमंजरी से संबंधित बहुत सारा चित्रण हुआ है हमारी राजस्थानी और उसमें कांगड़ा की शैली में जो पहाड़ी शैली थी। फिर नेक्स्ट है लघु रंग चित्रकारी सदाशिव पंचमुखी महादेव निम्नलिखित शैलियों में से किस शैली का एक प्रसिद्ध रंग चित्रकारी है, तो ये किसका है, मंडी शैली का, ठीक है, ये भी देखिए मंडी शैली का है, पहाड़ी शैली के अंतर्गत ही आती है मंडी शैली। ये सारी शैलियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन सबसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं और हर जो भी बच्चे और भी एग्ज़ाम देने वाले हैं अभी जैसे LT का या TGT PGT का, सबके लिए लघु चित्रण से सब्जेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और मंडी शैली के लिए एक चीज़ और है कि यहाँ पे कपूरगिरी नामक एक चित्रकार था, ठीक है, उसका पूछा जाता है कई बार कि जो उसने बनाई थी रामायण वो कहाँ पर सुरक्षित है, या उसका नाम पूछ लेगा कि किसने बनाया था, तो वो रामायण कहाँ पर सुरक्षित है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, ठीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस रंग चित्रकारी में विजयनगर भित्ति चित्रों का प्रभाव था, तो जो दक्षिण में रंग चित्रकारी हुई थी वहाँ पे विजयनगर की भित्ति चित्रों का प्रभाव देखा गया है। नेक्स्ट है राजपूत रंग चित्रकारी की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किसके आसपास घूमती है, तो जो राजपूत मीन्स राजस्थानी जो चित्रण शैली हुई है वो किसके आस उसका विषय वस्तु मेन क्या था, भक्ति पंथ से ज़्यादा, मतलब वीरता और महल का जीवन, काम वासना, श्रृंगारिक, ये सब विषय किस से ज़्यादा, मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन फोकस किसको दिया गया, भक्ति पंथ के जो विषय होते थे रिलेटेड, जैसे रामायण महाभारत इन सब के संबंधित चित्रण सबसे ज़्यादा हुआ है।
नेक्स्ट है, किसके काल में मुगल चित्रकारों ने अपने चित्रों में यूरोपीय तत्वों को अपनाना प्रारंभ किया था? तो ये है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अकबर के काल में। ठीक है, अकबर के काल से ही चित्रकारों ने यूरोपीय तत्वों को धीरे धीरे अपनाना शुरू किया था। और ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होगा कि मुगल काल का जो स्वर्ण काल कहा जाता है, कला का स्वर्ण काल, वो किसके काल को कहा जाता है? वो जहांगीर के काल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, पांडुलिपि चित्रण तूती नामा किसके द्वारा आरंभ कराया गया था? ठीक है, पांडुलिपि चित्रण जो है तूती नामा, वो पूछा है किसके द्वारा आरंभ कराया गया था। तो ये है राइट आंसर है इसका, यहाँ पे अकबर। ठीक है, अकबर ने कराया था। और इसके लिए तूती नामा है क्या, ये है मतलब पैरट्स, टेल्स ऑफ पैरट्स, पैरट्स की कहानी का संग्रह, इससे रिलेटेड बहुत सारा चित्रण प्रारंभ हुआ था किसके, अकबर के काल से। फिर नेक्स्ट है, राजा उम्मेद सिंह निम्नलिखित में से किस शैली के संरक्षक थे? राजा उम्मेद सिंह के लिए अगर पूछता है तो किस शैली के संरक्षक थे? कोटा शैली के लिए। ठीक है, कोटा शैली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी शैली, क्योंकि इसमें कोटा शैली के लिए अगर कई बार पूछता है तो जो कोटा शैली थी वो किस चीज़ के लिए फेमस थी, यहाँ पे जो वो हुआ था शिकार दृश्य बहुत ज़्यादा हुए थे, और जो राग रागनियों से संबंधित चित्रण भी बहुत ज़्यादा हुआ था, और किसके शासनकाल में? उम्मेद सिंह के शासनकाल में। तो याद रखिएगा, ये शिकार चित्रों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस रही है शैली, शिकार चित्र बहुत ज़्यादा यहाँ पर हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, चिनार वृक्ष पर गिलहरियाँ किसके द्वारा चित्रित की गई थी? ठीक है, ठीक है, तो चिनार वृक्ष पर जो गिलहरियाँ, ये फेमस चित्र किसका है? अबुल हसन का। ठीक है, जहांगीर कालीन चित्रकार था, तो जहांगीर के काल में पशु पक्षियों का चित्रण बहुत ज़्यादा हुआ था, और उसके काल में जो मतलब बहुत से जो कलाकार थे उसमें अबुल हसन फेमस था, और वो था क्या बोलते हैं, मंसूर। अबुल हसन को जहांगीर ने नादिर उज जमा की उपाधि भी दी थी। ठीक है, उसमें इम्पॉर्टेंट उसके जो चित्र, उसमें चिनार वृक्ष, गिलहरियाँ देखिए पूछा गया, ये है, एक बैलगाड़ी भी पूछा जाता है, बैलगाड़ी चित्र, और जहांगीर का सिंहासन अवरोहण ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो उसके बहुत सारे इम्पॉर्टेंट चित्र हैं, ये सारे अबुल हसन के हैं, जहांगीर काल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ जैन पांडुलिपि चित्रों से संबंधित नहीं है? ठीक है, जैन पांडुलिपि चित्र से पूछा संबंधित नहीं है, तो महापुराण है, कालकाचार्य कथा भी है, और आदि पुराण भी है, और क्या क्या चीज़ नहीं है? तो इसमें है राइट आंसर पंचतंत्र। ठीक है, पंचतंत्र क्या है? ये एक संस्कृत का काव्य ग्रंथ था, इसमें जानवरों की कहानियाँ, इन सब के बारे में, जानवरों की कहानियाँ हैं बहुत ज़्यादा, तो पंचतंत्र की कहानियाँ होती हैं, तो ये जैन पांडुलिपि में इसका चित्रण नहीं हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, रंग चित्रकारी नील गाय किसके द्वारा की गई थी? तो नील गाय करी गई थी उस्ताद मंसूर। मंसूर देखिए, मंसूर के बारे में भी बताया, ये भी जहांगीर कालीन फेमस कलाकार है मंसूर, इसलिए ये इसको कहा जाता है, ये पशु पक्षियों का बहुत अच्छा चित्रण करता था। ठीक है, पशु पक्षी के लिए फेमस चित्रकार कौन है? मंसूर। और मंसूर को भी एक उपाधि मिली थी, मंसूर को वो कहता मतलब मंसूर को सॉरी मंसूर का नहीं, मंसूर तो पशु पक्षी चित्रकार बहुत फेमस था, और इसका जो फेमस चित्र है वो है टर्की कॉक, चकोर पक्षी, बाज, मोरनी, ये सारे इम्पोर्टेंट इसके चित्र हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रांतीय मुगल शैलियों में कौन सी शैली अपनी आभूषणी और किनारों की मोहक साज सज्जा के लिए प्रसिद्ध थी? ठीक, तो जो अवध की शैली थी मुगली, वो उसमें सबसे ज़्यादा मतलब जो किनारों में बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव मोटिव्स और इन सब चीज़ों का यूज़ होता था, वो कौन सी स्टाइल थी? अवध की। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शैली राजस्थानी रंग चित्रकारी शैली से संबंधित नहीं है? तो राजस्थान की जयपुर, जोधपुर, मेवाड़, ये तीनों है, चंबा नहीं है, क्योंकि चंबा किससे है? पहाड़ी शैली से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पांडुलिपि चित्र में तत्व विशाल जमुराद अपनी सर्वव्यापकता के साथ चित्रमय स्थान को आच्छादित करता है? ठीक है, ये जमुराद का मुझे मीनिंग नहीं पता, सॉरी। तो
ये है, इसमें राइट आंसर है हमजा नामा। हमजा नामा किसके काल में? अकबर के काल में चित्रित हुई थी। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, ये किस पर बनाई गई है? ये बनाई गई है कपड़े पर, ठीक है, सूती कपड़े पे। फिर नेक्स्ट है, लघु रंग चित्रकारी परंपरा में कागज का प्रयोग कब आरंभ हुआ? तो जो लघु रंग चित्रकारी थी उसमें कागज की स्टार्टिंग मानी गई है हमारी 14वीं शताब्दी ईस्वी से। फिर नेक्स्ट है, उसके पहले ताड़पत्रों पे चित्रण होता था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बीजापुर का सर्वाधिक प्रसिद्ध रूप चित्र मतलब पोर्ट्रेट रंग चित्रकारी है? तो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा पोर्ट्रेट किसके बने थे? इब्राहिम आदिल शाह के, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, लंबा मस्तक, कमानदार भौंएं, कमल पंखुड़ी, समान नेत्र, ये निम्नलिखित शैलियों में से किस शैली की सामान्य विशेषताएं हैं? तो इम्पॉर्टेंट है, पहले भी आ चुके हैं क्वेश्चन इसके, अभी हम लोगों ने पढ़े हैं। तो किशनगढ़ शैली जो थी, इसमें जो मतलब चेहरा बनता था उसमें जो फोरहेड होता था वो थोड़ा सा लंबा और भौंएं बहुत बड़ी बड़ी और जो नेत्र होते थे बहुत सुंदर बनाए जाते थे। तो ये सारी विशेषताएं किसकी हैं? हमारी किशनगढ़ शैली की, ठीक है, उसी में बनी थी जिसमें बनी ठनी सभी ने देखा होगा। फिर नेक्स्ट है, जैन रंग चित्रकारी शैली किस रंग चित्रकारी परंपरा का स्मरण कराती है? तो जो जैन शैली में जो चित्रण हुआ है वो किसके समान है? वो है एलोरा की रंग चित्रों के। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से मुगल लघु रंग चित्र के लक्षण की पहचान करें। तो जो मुगल काल में जो लघु चित्रण हुए थे उसमें उसमें किसका प्रभाव था? उसमें फारसी प्रभाव था, भारतीय और फारसी दोनों मिक्स शैली थी, ठीक है, क्योंकि रेखीय मतलब रेखाओं का बहुत अच्छा यूज़ हुआ था। ये सारी चीज़ें फारस जो वहाँ फारसी उससे ली गई थी शैली से, तो भारतीय और फारसी दोनों का मिश्रित रूप था। नेक्स्ट है, गोल कोंडा शैली के पतन ने निम्नलिखित शैलियों में से किसके आकर्षण में वृद्धि करने का मार्ग प्रशस्त किया? ठीक है, तो जो गोलकुंडा शैली थी उसके बाद विजयनगर शैली के बाद जो गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, ये तीनों शैलियाँ थी, इसके में जो गोलकुंडा शैली है इसका जब मतलब लास्ट टाइम इसका धीरे धीरे जब पतन होने लगा था तो क्या हुआ था? राजस्थान शैली की स्टार्टिंग हुई थी। फिर नेक्स्ट है, सोने का अत्यधिक प्रयोग और अत्यधिक सुसज्जित किनारे और दरबार के दृश्य निम्नलिखित में से किसके चित्रों की विशेषताएं हैं? तो जो शाहजहां का काल था, शाहजहां के काल में कहते हैं कि बॉर्डर बहुत मतलब वैसे तो मुगल काल में मिनिएचर पेंटिंग के बॉर्डर बहुत सुंदर बनाए गए, पर जो शाहजहां का काल था उसके काल में क्या होने लगा था कि जो किनारियां वगैरह थी वो और ज़्यादा सुसज्जित हो गई थी और जो दरबारी दृश्य थे, राजमहल से संबंधित जो दृश्य थे वो सारी चीज़ें ज़्यादा बनने लगी थी। तो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे? शाहजहां के काल में। नेक्स्ट है, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने महिषासुर रंग चित्रकारी श्रृंखला बनाई है। देखिए DSSB का जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए तो ये है कि इसमें बहुत लेंथी टॉपिक है, PGT का एग्ज़ाम है तो इसका लेवल भी हाई है थोड़ा, इसमें हर तरीके के क्वेश्चन आए हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत क्वेश्चन थे और लघु चित्रण से यानी मिनिएचर पेंटिंग के बहुत सारे क्वेश्चन मिले अब हम देख रहे हैं, तो ये है हमें कंटेम्प्रेरी आर्ट से भी रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि महिषासुर इम्पॉर्टेंट है, ये किसका है? फेमस तैयब मेहता का, ठीक है। और अगर इसका मीडियम भी पूछता है तो ये एक्रेलिक में ज़्यादा काम करते थे, एक्रेलिक है और 1996 में बनाई थी ये। नेक्स्ट है, रंग चित्रकारी समुद्र के अहंकार को परास्त करते राम किसके द्वारा की गई थी? तो समुद्र को परास्त करते राम का ये जो है पेंटिंग ये बनाई थी राजा रवि वर्मा ने। राजा रवि वर्मा के लिए था इम्पोर्टेंट क्योंकि उन्होंने बहुत हिंदू मैथोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी जो कथाएं हैं उनसे संबंधित करके भी चित्रण बहुत सारा किया था इन्होंने। सर्वप्रथम कहते हैं तैल चित्रों का भी प्रयोग किया था भारत, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, रंग चित्रकारी की वॉस तकनीक भारत में पहली बार किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो जो वॉश टेक्निक थी वो सबसे पहले किसने? बंगाल स्कूल के कलाकारों ने स्टार्ट किया और बंगाल स्कूल से नाम आता है सबसे पहले अवनींद्रनाथ टैगोर का, ठीक है। तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने स्टार्ट किया था वॉश टेक्निक। फिर नेक्स्ट है, उस भारतीय गुरु चित्रकार का नाम बताइए जिसने उन छवियों को प्रकट करते हुए अपूर्व विचारित मन के साथ कार्य करने की विधि प्रस्तुत कि जिन्होंने उसकी चेतना को आसक्त कर रखा था।
तो गुरु नाम दे दिया है पहले ही, और गुरु चित्रकार तो कई बार इससे भी समझ में आ जाता है। तो कौन हुए? रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। उन्होंने कहते हैं 60 के बाद मतलब चित्रकारी करना प्रारंभ किया था। तो यहाँ राइट आंसर हो गया रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, उस भारतीय गुरु चित्रकार का नाम बताइए जिसने छात्रों के साथ अजंता की रंग चित्रकारियों और प्रतिमाओं का अध्ययन किया, ठीक है। उसके उत्कृष्ट चित्रकारियों में भारतीय पौराणिक कथाओं, महिलाओं और ग्रामीण जीवन के दृश्यों की रंग चित्रकारी सम्मिलित है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया हमारा नंदलाल बोस, क्योंकि नंदलाल बोस ने ही अजंता के चित्रों की अनुकृति बनाई थी। और अगर टाइम भी पूछता है कई बार तो कब बनाई थी, 1909 और 10 में, ठीक है। नंदलाल बोस के लिए है। नंदलाल बोस का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट भी हैं क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इनकी के कई बार किताबों के लिए भी पूछा जाता है, जैसे वो शिल्प कथा बुक या रूपावली या शिल्प चर्चा, ये सारी किताबें पूछी जाती हैं। तो ये हैं किसकी? नंदलाल बोस की। हरिपुरा पोस्टर के लिए कई बार पूछा जाता है, तो नंदलाल बोस से तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और पद्म विभूषण भी कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा गया है, 1954 में मिला था। नेक्स्ट है, 20वीं शताब्दी का रूप चित्र पोर्ट्रेट ऑफ 20th सेंचुरी शीर्षक वाली रंग चित्रकारी किसके द्वारा की गई थी? तो पोर्ट्रेट ऑफ 20th सेंचुरी किसके द्वारा की गई है? मकबूल फिदा हुसैन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकारों द्वारा ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासकों के लिए की गई रंग चित्रकारी को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जो ब्रिटिश जब आ गए थे, उन्होंने उनके जब अंडर में चित्रण होने लगा था, वो लोग अपने हिसाब से अब चित्रण कराते थे और यूरोपीय तत्वों का समावेश होता था अब चित्रों में, तो वो कैसे चित्र कर उस जो चित्र बने थे उस टाइम, तो उसको क्या बोलते हैं? कंपनी रंग चित्रकारी। नेक्स्ट है, विश्वासघात चित्रण कार्य किसने चित्रित किया है? तो विश्वासघात नामक चित्रण है किसका? कृष्ण खन्ना का, ठीक है। नेक्स्ट है, बनारस श्रृंखला किसने चित्रित की थी? बनारस श्रृंखला किसने चित्रित की थी? यह है राम कुमार की, ठीक। राम कुमार जो अमूर्त चित्रण बहुत ज़्यादा करते थे, प्रकृति का अमूर्त चित्रण इन्हें बहुत पसंद था। नेक्स्ट है, प्रदोष दास गुप्ता निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व करता थे? तो प्रदोष दास गुप्ता ने कलकत्ता समूह की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट है, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1888 में। नेक्स्ट है, प्रतिमा कला शहीद का आंदोलन, ठीक है, ये किसने किया था, किसने बनाया था? ये था डीपी राय चौधरी। नेक्स्ट है, उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने बड़ौदा कलाकार समूह के गठन में अंतस्थ भूमिका निभाई थी? तो ज्योति भट्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, उस प्रथम भारतीय प्रतिमाकार का नाम बताएं जिसने विचारों के आधार पर कार्य किया? तो कौन था? धनराज भगत, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में बॉम्बे प्रगतिशील कलाकार समूह पैक, जिसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ बॉम्बे, के संस्थापक कौन थे? F.N. सूजा, ठीक है। F.N. सूजा ने इस ग्रुप की स्थापना की थी। ये सब इम्पोर्टेंट ग्रुप्स हैं, इन सब से क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट है, लघु रंग चित्रकारी पोलो खेलती हुई चांद बीबी, ठीक है, चांद बेबी बीबी प्लेइंग पोलो किस शैली से संबंधित है? ये है हमारा गोल कुंडा से। फिर नेक्स्ट है, कलाकार समूह तुर्क की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पीटी रेड्डी के द्वारा तुर्क ग्रुप की स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्यांता की मुद्रणकारी प्रिंट मेकिंग तकनीक के गुरु की पहचान करो, ठीक है। स्यांता यहाँ विस्कोसिटी से मतलब है इसका, विस्कोसिटी जिसमें अलग अलग मल्टीपल कलर्स के प्रिंट होते हैं। तो कह रहा है कि इसके लिए कौन है? तो एन कृष्णा रेड्डी, ठीक है। कृष्णा रेड्डी का नाम आता है, ये एक प्रिंट मेकर और स्कल्प्टर के रूप में ज़्यादा फेमस, दोनों मतलब प्रिंट मेकर और स्कल्प्टर के रूप में फेमस रहे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से 1970 के उस भारतीय प्रतिमाकार की पहचान करें जो तंत्र और प्रौद्योगिकी के
संश्लेषण के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ किसका नाम आएगा, सतीश गुजराल का। ठीक है, सतीश गुजराल एज अ आर्किटेक्चर भी इन्होंने बहुत सारा काम किया है दिल्ली में, गोवा में। दिल्ली में जो वो बेल्जियम का वो है एम्बेसी है, वो भी इन्हीं ने डिज़ाइन किया है 1984 में। ठीक है, यूनेस्को की बिल्डिंग है वो भी इन्होंने डिज़ाइन की है, गोवा यूनिवर्सिटी है, और भी बहुत से इनके आर्किटेक्चर हैं। तो राइट आंसर है यहाँ पे सतीश गुजराल। नेक्स्ट है, उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने ललित कला अकादमी के गठन में एक अंतस्थ भूमिका निभाई है। रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले भी आया था। तो राइट आंसर है इसमें ज्योति भट्ट। ठीक है, और ज्योति भट्ट इनकी ये एक एज अ प्रिंट मेकर के रूप में ज़्यादा फेमस रहे, और इनकी अगर पूछता है कई बार इनकी वाइफ थी ज्योत्सना भट्ट। ठीक है, ज्योत्सना भट्ट किसके लिए फेमस थी, ज्योत्सना भट्ट थी एक सिरेमिक आर्टिस्ट। ठीक है, वो सिरेमिक आर्टिस्ट थी और ये एक प्रिंट मेकर के रूप में फेमस रहे। नेक्स्ट है, जेतवन पार्क का भरहुत का नक्काशी का कार्य देखा जा सकता है। यहाँ भरहुत है तो ये भरहुत का जेतवन पार्क नामक नक्काशी का काम है भारतीय संग्रहालय कोलकाता में, क्योंकि जितने भी भरहुत के स्तूप के जो अवशेष बचे हैं वो कहाँ पे संग्रहित हैं, वो कोलकाता में जो नेशनल म्यूजियम है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी में खोजी गई निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी वस्तु सीरिया क्रेते मिश्र जैसी प्राचीन सभ्यताओं के साथ सुस्पष्ट संबंध दर्शाती है। तो सिंधु घाटी से जो मनके और आभूषण मिले हैं वो सिमिलर किसके हैं, मिश्र और सीरिया से प्राप्त सभ्यताओं से। नेक्स्ट है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पुजारी की आवक्ष प्रतिमा की ऊंचाई है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो से जो प्राप्त हुई है ना पुजारी की आवक्ष, मतलब हाफ वो कितनी पुजारी प्राइस्ट किंग की, इसका एक क्वेश्चन पहले भी अभी इसमें आया था। तो उसकी ऊंचाई कितनी है, 70.5। ठीक है, और ठीक है, और अगर इसमें एक दो चीज़ें और पूछता है जैसे कि ये किससे बनी है, तो ये वाइट, ये वो सफ़ेद जो सिलखड़ी पत्थर है वहाँ का, उससे बनी हुई है। और अगर चौड़ाई पूछता है तो चौड़ाई है इसकी 11 सेंटीमीटर। कहाँ पे सुरक्षित है, ये है कराची में, नेशनल म्यूजियम कराची में है। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, अधिकांश प्रतिमाएं मध्यम वर्गीय परिवारों से संबंधित थी। ठीक है, जो भी वहाँ पे मिला है स्कल्पचर की जो मिली हैं वो किससे संबंधित, उसको उसकी वेशभूषा या उस जो उसके साक्ष्य हैं उसको देख के ये अनुमान लगाया गया कि ये मध्यम वर्गीय परिवारों से संबंधित थी। नेक्स्ट है, मंदिर वास्तुकला की बहुकोणीय योजना पहली बार कहाँ पाई गई, तो सबसे पहले हड़प्पा में जो खुदाई हुई वहाँ पर ही देखा गया बहुकोणीय, मतलब अलग अलग एंगल से बना हुआ है जो भी आर्किटेक्चर, सबसे पहले देखा गया हमें हड़प्पा में। जैसे महान स्नानागार प्राप्त हुआ हमें जो अलग अलग ब्लॉक्स में बना हुआ है, अब तो काफ़ी वो हो गया है, ध्वस्त हो गया है। नेक्स्ट है, मोहनजोदाड़ो के अधिकांश निर्माण किससे हुए थे, भट्टी में जो पकी हुई वो होती है ना ईंटें, उससे उसका निर्माण हुआ है मोहनजोदड़ो में। और देखो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है क्लिन फायर्ड ब्रिक्स उसको बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, बुद्ध की प्रतिमा सबसे पहले किस पर दृष्टव्य हुई, तो बुद्ध की जो आकृति थी सबसे पहले सिक्कों पर देखी गई। ठीक, फिर है, मथुरा प्रतिमा कला का उल्लेखनीय योगदान क्या है, तो मथुरा प्रतिमा कला का है उल्लेखनीय योगदान रूप चित्र प्रतिमा कला, क्योंकि उसमें अब जो फिगर वगैरह जो बनने लगे थे, जो बुद्ध को अब एक आदर्श उसके रूप में दिखाया जाने लगा था मानवीय रूप में, पहले उसके पहले क्योंकि बुद्ध को उनके जो सिंबल्स होते थे उसी का भित्ति चित्रण जैसे अजंता में हुआ है, और भी जगह बुद्ध की जो मूर्तियां ना बना के उनके अवशेष जो चिन्ह होते थे उनको बनाया जाता था। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, पुजारी का आवक्ष प्रतिमा कांस्य से बनी थी, ये असत्य है पहली लाइन, क्योंकि अभी हम लोग 2-3 क्वेश्चन पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि वो जो आवक्ष प्रतिमा वो स्टोन उससे बनी ना, सिलखड़ी पत्थर से वाइट, उससे ये कांस्य से बनी हुई नहीं थी। ठीक, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज पहली बार में की गई थी, हड़प्पा में सबसे पहले खोज हुई थी। ठीक, फिर नेक्स्ट है, सिंधु प्रतिमाओं में से सर्वश्रेष्ठ को पहचाने, तो जो सबसे ज़्यादा सिंधु सभ्यताओं में मानी जाती है जो सबसे
वैसी है, उसको वो कौन सी है, नृत्य करती हुई लड़की, ठीक है। डांसिंग फिगर जो प्राप्त हुआ है, डांसिंग फिगर बोलते हैं उसको, डांसिंग गर्ल या डांसिंग फिगर जो भी बोले वो है। और इसमें क्या है कि इसमें देखा हुआ होगा आप लोगों ने, ये ब्रॉन्ज स्कल्पचर है, सबसे बड़ी बात। कई बार ये भी पूछ सकता है, और इसकी अगर टेक्निक भी पूछता है तो इसकी टेक्निक है हमारी लॉस्ट वैक्स कास्टिंग, ठीक है। तो ये हो गई इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके लिए, ब्रॉन्ज की है, इम्पॉर्टेंट बात है। और इसका अगर कई बार संग्रहालय भी पूछता है तो ये संग्रहालय कहाँ पे है डांसिंग गर्ल का, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में ही है, ठीक। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन है, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो हमारी सुमेरियन, जो सुमेरियन सभ्यता थी उसके ही समकालीन यहाँ भारत में भी पाई गई है, ठीक है। वहाँ पे सुमेरियन सभ्यता थी और यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। वहाँ पे भी ऐसे ही मोहरे वगैरह और भी बहुत सी चीज़ें पाई गई थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, पुरुष नर्तक प्रतिमा के धड़ की ऊंचाई है, पुरुष नर्तक प्रतिमा के धड़ की ऊंचाई कितनी है, 4 इंच। नेक्स्ट है, ब्रॉन्ज बफेलो, जो ब्रॉन्ज का बफेलो पाया गया है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, ब्रॉन्ज बफेलो पाया गया है हमारा मोहन जोदड़ो से, ठीक है। तो जो ये ब्रॉन्ज बफेलो है ये भी कहाँ पे है, ये अगर पूछता है तो ये भी है हमारा नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में। और अगर इसका वैसे पूछा जाता है जैसे मोहन जोदड़ो में ही पाया गया है और मतलब ब्रॉन्ज का है, क्योंकि अगर अगर अलग तरीके से कई बार पूछते हैं तो ब्रॉन्ज की बहुत सी मूर्तियां हमें कहां से प्राप्त हुई हैं, और अगर इसमें से ऑप्शन देता है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, अलग अलग करके, और उसमें अगर मोहनजोदड़ो नहीं है या हड़प्पा है केवल, तो हड़प्पा हम ऑप्शन लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण मोम प्रतिस्थापन, जिसको भी लॉस्ट वैक्स प्रोसेस बोला है, प्रक्रिया का प्रयोग करके किया गया है। तो अभी मैंने बताया था जो डांसिंग गर्ल फिगर है उसमें कौन सी टेक्निक यूज हुई है, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, ठीक है, नृत्य करती हुई लड़की में। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के संबंध में अधिक जानकारी किसकी खोज के साथ जानी जाती है, तो जब सबसे ज़्यादा खोज जानी जाती है कालीबंगा, जब कालीबंगा में खुदाई हुई वहाँ से अलग अलग तरीके की चीज़ें मिली, तो उसके बाद बहुत सारे साक्ष्य मिले और इसकी हड़प्पा संस्कृति की और ज़्यादा जानकारी सबको मिली, ठीक है। कालीबंगा भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कालीबंगा से कई बार इसके क्वेश्चन बने हुए हैं कालीबंगा के लिए। नेक्स्ट है, हड़प्पा काल के मिट्टी के बर्तनों पर सजावट सामान्यतः किस रंग में की गई थी, तो जो मिट्टी के बर्तन होते थे उसके ऊपर सजावट करी जाती थी काले रंग से, ठीक है। नेक्स्ट है, गुडी मल्लम का परशुरामेश्वर मंदिर किससे संबंधित है, तो गुडी मल्लम का परशुरामेश्वर मंदिर है सातवाहन काल से। ठीक है, सातवाहन काल से, और कहाँ पर है अगर पूछता है तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और शिव जी का टेंपल है परशुरामेश्वर मंदिर, नाम से ही पता चल रहा है शिव जी को समर्पित है, ठीक है। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति में मुहर बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया गया था, सेलखड़ी पत्थर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सेलखड़ी पत्थर होता था उसका यूज होता था सील्स बनाने में। फिर है, हड़प्पा काल से प्राप्त हुए अधिकांश मिट्टी के बर्तन किस विधि से बने थे, तो वहाँ पे चक्र घूर्णन विधि एक होती थी, उससे इसके मिट्टी के बर्तन बनते थे। आर्द्र बुद्ध का एक विशिष्ट उदाहरण है गुप्त के सुल्तानगंज के बुद्ध, ठीक है। सुल्तानगंज में जो कॉपर स्टैंडिंग फिगर मिला है वो उसी की बात है, गुप्त के सुल्तानगंज के बुद्ध। नेक्स्ट है, अजंता गुफाएं निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करती हैं, ठीक है। दो उसके संप्रदाय थे, हीनयान और महायान, उसमें से अजंता गुफाओं में क्या है, महायान, ठीक है, क्योंकि उसमें गौतम बुद्ध की जो भित्ति चित्रण में जो बनाया गया है उसमें उनको उनका मतलब चित्र बनाया है, दिखाया गया है, और जब जहाँ पे केवल चित्र नहीं होता है, केवल प्रतीकों का यूज़ करके बनाते हैं, तो वो होता है हीनयान संप्रदाय से संबंधित। और जहाँ पे हमें फिगर मिलेगा इम्पोर्टेंट चीज़ें वहाँ पे वो कौन से संप्रदाय से संबंधित है, महायान संप्रदाय से। फिर नेक्स्ट है, नदी देवी गंगा और यमुना की नक्काशीदार प्रतिमाएं एलोरा में गुफा संख्या
21 में विद्यमान है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आता है, घुमा के भी पूछा जाता है कि गंगा यमुना की नक्काशीदार प्रतिमाएं कहाँ पर हैं। ठीक है, अब जैसे पूछा है गुफा, कौन सी गुफा में है, तो गुफा नंबर 21 में है, एलोरा में। ठीक, नेक्स्ट है बुद्ध का प्रलोभन गुफा संख्या है। ठीक है, तो ये बुद्ध का प्रलोभन किस में है, नंबर 1 गुफा में। नेक्स्ट है चुनार के रागमाला के राग दीपक के चित्रित स्वरूपण का संबंध किससे है, किससे है, बूंदी शैली से है। ठीक है, राग दीपक का, और ये कहाँ पर है, बूंदी शैली के लिए मैंने बताया था आपको। ठीक है, राग है कहाँ पे है, ये है वो भारत कला भवन वाराणसी में। ठीक, ये पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट है सारनाथ के बैठी स्थिति में बुद्ध की परिष्कृत शैली है, जो सारनाथ में प्राप्त है बुद्ध, वो किसकी शैली है परिष्कृत, गुप्त शैली की। ठीक है, नेक्स्ट है उत्कृष्टम हिंदू प्रतिमाओं और भित्ति चित्रों को कहाँ पर देखा जा सकता है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रतिमाएँ स्टार्टिंग में, एलोरा में। ठीक है, बाघ और अजंता में, उसमें क्या है, उसमें भित्ति चित्रण बहुत ज़्यादा हुआ है, पर प्रतिमाएँ हिंदू प्रतिमाओं का जो यूज़ हुआ है वो किस में हुआ, एलोरा में। ठीक, नेक्स्ट है दीवाने खास का निर्माण किया गया था, दीवाने खास कहाँ पे है, फतेहपुर सीकरी में, किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी वहाँ, और आगरा से थोड़ी दूरी पर है। नेक्स्ट है पल्लव वास्तुकला का पहला चरण को समर्पित था, पत्थर को काट कर बनी हुई वास्तुकला को। ठीक है, वहाँ पे जो रथ टेम्पल बने हुए हैं महाबलीपुरम में, मैंने आपको बताया था तमिलनाडु में। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जो भी बच्चे अभी ये तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये 200 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के TGT PGT के लिए भी और LT का भी जो एग्ज़ाम आ रहा है उन सभी के लिए ये, क्योंकि ये सारे कॉमन टॉपिक हैं, और आर्ट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं मोस्टली ज़्यादातर टॉपिक तो सब सेम रहते हैं, क्वेश्चंस भी अलग अलग होता है, कई बार कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाता है किसी पेपर में या उसको किसी दूसरी फॉर्म में पूछ लिया जाता है, तो आपके लिए अच्छा है कि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और DSSB वाले बच्चों को भी, जो बच्चे फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं उनको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसा एग्ज़ाम में पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा डिटेल में आता है, थोड़ा डिटेल में आपको जाना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है हाँ पत्थर को काट कर बनी हुई वास्तुकला, यहाँ पे रथ टेम्पल जो बने थे वो एक ही पत्थर को ऐसे काट के, उसमें अलग अलग रथ बने हैं, पंच पांडव के नाम पे भी बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बोधिसत्व आकृति का योगदान है। ठीक है, तो बोधिसत्व की जो आकृतियाँ हुई कहाँ से, गांधार प्रतिमाकारों के द्वारा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर दक्षिण भारत में पत्थर द्वारा निर्मित प्राचीनतम मंदिर था, तो दक्षिण भारत में जो शैली यूज हुई है वो द्रविड़ स्टाइल्स है आर्किटेक्चर में, और मंदिर कौन सा इम्पोर्टेंट, शोर टेम्पल। ठीक, नेक्स्ट है दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला की सर्वाधिक विशिष्ट विशेषता होती है विमान। ठीक, जो द्रविड़ शैली होती है उसकी जो विशेषता होती है उसमें विमान होता है ऊपर, और ये गर्भगृह और मंडप ये सारी चीज़ें किस में होती है, नागर शैली में। नेक्स्ट है मातृ पोषक जातक भित्ति रंग चित्रकारी गुफा संख्या किसमें है, गुफा नंबर 17 में। नेक्स्ट है गुप्त काल की पहली ब्राह्मणिक हिंदू प्रतिमा कला में पाई गई थी, तो जो गुप्त काल में उदयगिरी जो है उदयगिरी में, वहाँ पे हिंदू धर्म से संबंधित सबसे ज़्यादा मिला है प्रतिमाएं। ठीक है, नेक्स्ट है मौर्य काल के दौरान यक्ष और यक्षी की प्रतिमाओं पर का निर्माण किससे किया गया है, तो यक्ष और यक्षी की प्रतिमाओं के लिए भी हमेशा पूछते हैं, तो ये हुई चुनार के जो बलुआ पत्थर है उससे बनाई गई हैं यक्ष और यक्षी की, और सबसे ज़्यादा मौर्य काल में। नेक्स्ट है चुलाकोका यक्षिणी की प्रतिमा कहाँ द्रष्टव्य होती है, तो चुलाका यक्षिणी की प्रतिमा होती है भरहुत से। ठीक है, चुलाका, और ये भरहुत के बताए थे नेशनल म्यूज़ियम जो कोलकाता है वहाँ से, मतलब सबसे ज़्यादा इसके जो अवशेष हैं वो वहीं पे अभी रखे हुए हैं, क्योंकि पूरी तरह ध्वस्त हो गया था, जो भी अवशेष थे वो कहाँ पर हैं सॉरी कलकत्ता में म्यूज़ियम में। फिर है नेक्स्ट नटराज मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, तो जो नटराज टेम्पल है भगवान शिव को समर्पित है नटराज टेम्पल, वो है हमारा चिदम्बरम में। ठीक है, नटराज टेम्पल। ठीक,
और चिदंबरम अगर पूछता है तो पता होगा ये है तमिलनाडु में और शिव को समर्पित है, इसमें भी अगर घुमा के आता है एक दो बार। नेक्स्ट है, शेर शाह सूरी के मकबरे का निर्माण कहाँ हुआ था? शेर शाह सूरी का जो मकबरा है उसका निर्माण हुआ था बिहार में। ठीक, नेक्स्ट है, अजंता में गुफा संख्या 10 है, जो गुफा संख्या 10 है वो है चैत्य की गुफा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रथ पांडव रथों में सबसे छोटा है? देखिए वही महाबलीपुरम से रिलेटेड क्वेश्चन है, पल्लवकालीन जो बने हैं वहाँ पे रथ टेम्पल, तो उसमें जो द्रौपदी रथ है वो सबसे छोटा है, और ऐसा भी क्वेश्चन इसी में पूछा गया अभी, जो सबसे पहले का है वो है धर्मराज रथ। नेक्स्ट है, पोर्ट्रेट पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी शैली मुगल शैली से अत्यधिक प्रभावित है? ठीक, तो मुगल शैली के समकालीन मतलब जो बहुत ज़्यादा उससे प्रेरित है वो कौन सी शैली थी? जयपुर शैली। नेक्स्ट है, मध्य भारत के उस प्रभावशाली कला केंद्र की पहचान कीजिए जिसमें निमतनामा व्यंजनों की पुस्तक, निमतनामा में क्या है, व्यंजनों का मतलब अलग अलग डिशेज का है वर्णन, और ये एक दो बार क्वेश्चन पहले पूछा गया है निमतनामा के लिए भी, इसमें देखिए ब्रैकेट में दिया गया है व्यंजनों की पुस्तक, टीजीटी वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है निमतनामा, व्यंजनों की पुस्तक पूछा जाता है, ये किससे रिलेटेड है? व्यंजनों से। ठीक है, लेकिन है ये पूछा गया किस चित्रित कहाँ किया गया है? मांडू में। ठीक है, मांडू में। नेक्स्ट है, उस मुगल शासक का नाम बताइए जो फारसी दरबार से अपनी वापसी के समय श्रेष्ठ फारसी चित्रकारों को भारत लाया था। ठीक है, भारत कौन लाया था? हुमायूं के काल में, मतलब वो जब वहाँ से फारस से लौटा था तो वो किसको अपने साथ? चित्रकारों को लाया था। और हुमायूं के लिए कहते हैं कि हुमायूं के काल में उतनी चित्रकला की उतनी प्रगति तो नहीं हुई थी, क्योंकि वो बहुत कम टाइम एक तो जीवित रहा था, और दूसरा कि उसने मतलब जो चित्रकार लाया था वो हुमायूं अपने साथ फारस से, उनको फिर अकबर के काल तक ही भी देखा गया है। ठीक है, और उसमें अगर कई बार पूछता है तो जो दो कलाकार को भी पूछता है, तो अगर कलाकार पूछता है तो थे ख्वाजा अब्दुस्समद और एक मीर सैयद अली। ठीक है, दो ये कलाकार थे जिनको उसने अपने साथ लाया था। नेक्स्ट है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र किसका सूचक है? तो अशोक चक्र होता है भारत की निरंतर प्रगति और विकास का। नेक्स्ट है, उस कलाकार का नाम बताइए जिन्होंने भारतीय पौराणिक कथाओं के आधार पर देवी देवताओं के चित्र बनाए। इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होगा, राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट है, तोते की उड़ान निम्न में से किसके द्वारा चित्रित की गई है? तो तोते की उड़ान के लिए फेमस है हमारे ए रामचंद्रन। ठीक है, ए रामचंद्रन की है ये सीरीज, इसमें इन्होंने बनाया हुआ है, तो बहुत सारे फ्लाइंग पैरट्स हैं। ठीक है, रामचंद्र इम्पॉर्टेंट हैं, इन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं ये। ठीक, पेंटिंग मतलब एज अ पेंटर और स्कल्प्टर फेमस है। 1935 में इनका जन्म हुआ था, कई बार जन्म जरूर पूछ लेता है किसी आर्टिस्ट का। नेक्स्ट है, उन ग्राफिक आयोजकों और माइंड मैप के उपयोग की आवश्यकता वाले कार्य निम्न प्रकार के शिक्षार्थियों के लिए सहायक हैं। ये एक्चुअली इसमें 10 क्वेश्चंस उससे भी आते हैं टीचिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो ये हम छोड़ देते हैं अभी, 10 क्वेश्चंस के ऐसे भी हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 200 क्वेश्चंस। ठीक, आई होप आप सबको ये 200 क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे, और इसमें से आप लोग अपने मतलब आप लोग अपनी तैयारी से आपको आइडिया भी लग जाएगा कि आपको कितना अभी कितने और डीप में पढ़ना है और कितना क्या करना है, कैसे पेपर आएगा। ये सारी चीज़ों को हमने 200 क्वेश्चंस में देख लिया। बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया वीडियो, इसलिए मैंने बहुत जल्दी जल्दी भी बताया, इसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाई। और मैंने समकालीन कलाकारों पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है एक, आप लोग मेरा वो वीडियो देख सकते हैं, और उस पर और भी मैं आगे अपने वीडियो डालती रहूँगी समकालीन पे, क्योंकि अभी बैक टू बैक बहुत सारे एग्ज़ाम हैं और बहुत जल्दी जल्दी इतना सब कुछ एक साथ बनाना पॉसिबल नहीं हो रहा है। पर मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दिखा सकूँ, अपनी तरफ से जितने क्वेश्चन बना सकूँ मैं सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगी।
अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट है राजा उमेश सिंह, राजा उम्मेद होना चाहिए, राजा उमेश नहीं है शायद, मिसप्रिंट है। राजा उम्मेद सिंह द्वारा एक पेड़ से बाघ का शिकार का रेखांकित लघु चित्र निम्न में से किस राजस्थानी शैली के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो जो ज़्यादातर शिकार के दृश्य हुए हैं वो सबसे ज़्यादा कोटा में हुए हैं, ठीक है, कोटा शैली में हुए हैं। और कोटा शैली में क्या था कि यहाँ पे शिकार के सर जो चित्र हुए हैं जो बहुत ज़्यादा उसमें हुए हैं, बहुत अधिक संख्या में, और उनका बहुत यथार्थ और सजीव अंकन भी हुआ है, ठीक है, अगर ऐसे भी पूछता है तो याद रखिएगा। और उमेद सिंह के राज्य में इसमें सबसे ज़्यादा वो हुई थी चित्रकारी। निम्नलिखित में से किस मुगल चित्रकार ने जेब्रा चित्रकला को निष्पादित किया? ठीक है, जहांगीर के काल का था मंसूर, जो बहुत इम्पोर्टेंट, उसने सबसे ज़्यादा पशु पक्षियों का चित्रण किया था, ठीक है, तो क्या हुआ, मंसूर ने। नेक्स्ट है 20वीं शताब्दी में प्रचलित एक उपकरण जिसका उपयोग घनीय प्रयास द्वारा किसी वस्तु की सभी दिशाओं को क्रम से प्रदर्शित करने के लिए किया जाता था, इसे निम्न में से किसमें देखा जा सकता है? ठीक है, तो ये किसमें देखा गया है, जैन चित्रकारी में। नेक्स्ट है उस कलाकार को पहचानिए जो अकबर के दरबार में नहीं था। ठीक, तो दसवंत, बसावन, मिस्कन ये सब थे। अबुल हसन हम पहले ही पढ़ लिया है कि अबुल हसन किसमें था, जहांगीर के काल में। ठीक, नेक्स्ट है चित्रकला का क्षेत्र निम्न में से किसके शासन के दौरान अपने चरम पर पहुंचा था? तो जहांगीर का जो काल था वो क्या कहलाता था, वो गोल्डन पीरियड कहलाता था मुगल एम्परर का। ठीक है, तो जहांगीर के काल को स्वर्ण काल कहते हैं, तो चरम पर पहुंचा था जहांगीर के काल में। नेक्स्ट है प्रकृति जानवरों और फूलों के लिए अनन्य प्रेम निम्न में से किस में चित्रित किया गया है? तुजुके जहांगीरी में। ठीक है, जहांगीर के काल में तुजुके जहांगीर, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव था कहते हैं कि, और जहांगीर ने अपने काल में मतलब उसके दरबार में जितने मतलब वो थे कलाकार थे उनको उसने बहुत स्वतंत्रता भी दी थी, वो बहुत अच्छे से कार्य कर सकते थे, तभी तो मतलब इसीलिए वहाँ पे इतनी ज़्यादा चित्रकारी हुई अच्छी कि इसे मुगल काल का स्वर्ण काल भी कहा गया। ठीक, और ये सब जो नेचर से रिलेटेड जितना भी हुआ है काम, ये सब तुजुके जहांगीर में चित्रित किया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग में किसी घराने और उसकी प्रचलित शैली के बारे में सही है? ठीक है, सही है बूंदी कोटा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इनायत खान की मौत निम्न में से किसके द्वारा चित्रित की गई थी? तो इनायत खान की मौत को चित्रित किया था बालचंद ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारतीय संगीत के पारंपरिक रूपों के पीछे की मनोदशा और भावनाओं की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है? तो जो रागमाला चित्रण हुआ है उसमें ही जो भारतीय संगीत के भिन्न भिन्न राग हैं, जैसे राग दीपक है, राग भैरवी है, राग हिंडोला है, उन सब पर आधारित उनकी जो मतलब जो मेन उस राग से संबंधित उसकी जो विशेषताएँ होती हैं उसको जो मतलब उसको यूज़ करके जो चित्रण हुआ है, तो वो सारी चीज़ें किस क्या कहलाती हैं, मतलब वो राग माला पे संबंधित चित्रकारी होती है। और सबसे ज़्यादा चित्रण हुआ है लघु मतलब मिनेचर पेंटिंग में। नेक्स्ट है निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन कांगड़ा स्कूल से संबंधित नहीं है? ठीक है, फत्तू, पुरखू, कुशल ये सब हैं क्योंकि ये कांगड़ा शैली से संबंधित है, पंडित सेऊ नहीं है। नेक्स्ट है परिपेक्ष का सीमित अनुकूलन अल्बर्ट ड्यूरर नक्काशी निम्न में से किसके शासनकाल से अपनाई जाने लगी थी? अकबर के काल से। ठीक है, नेक्स्ट है जहांगीर राजाओं से अधिक सूफी शेख को पसंद करते हैं का एक रूपक किसके द्वारा चित्रित गया था? चित्रित किया गया था विचित्र के द्वारा। नेक्स्ट है साहिब दीन निम्न में से किस घराने के एक लोकप्रिय कलाकार थे? साहिब दीन। ठीक, साहिब दीन किससे थे? साहिब दीन थे मेवाड़ शैली से हैं, और इनके लिए क्या कहा जाता है, इन्होंने ही वो जो वहाँ पे श्रीमद् भागवत के चित्र अंकित किए थे। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राजस्थानी स्कूल में विशाल मूर्तियों को चित्रित किया गया था? तो किशनगढ़ में, किशनगढ़ शैली में विशाल मूर्तियों को चित्रित किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से हिंदू
पौराणिक कथाओं से संबंधित कौन सी रचना मुगल काल में नहीं लिखी गई है? ठीक है, तो मुगल काल में महाभारत, रामायण, हरिवंश ये तीनों लिखी गई हैं, गीत गोविंद की रचना नहीं हुई है। नेक्स्ट है, सबसे पुरानी रागमाला श्रृंखला निम्न में से कहाँ से संबंधित है? ठीक है, मेवाड़ से संबंधित है सबसे पुरानी रागमाला। नेक्स्ट है, हमजा नामा चित्रकलाएं निम्न में से किस पर उकेरी गई हैं? ये हमजा नामा नहीं है, हमजा नामा है। ठीक है, इसमें कुछ मिसप्रिंट है बहुत जगह। तो हमजा नामा किस पे अकबर के काल में और किस पे उकेरी गई है? कपड़े पर। नेक्स्ट है, कला श्रृंखला प्राचीन त्रुटियों के चिन्ह निम्न में से किसके द्वारा निष्पासित किया गया है? ठीक है, प्राचीन त्रुटियों के चिन्ह, ठीक है, और ये कहाँ से हैं, बिलोंग करते हैं, इनका जन्म हुआ था टीवी संतोष का केरला में, ठीक है, 1968 में। नेक्स्ट है, उस प्रथम कलाकार का नाम बताइए जिन्होंने वेल्डिंग तकनीक द्वारा जंग का उपयोग करके मूर्तियों को बनाना शुरुआत किया था। ठीक है, ठीक है, और ये मतलब इनके ऊपर कहते हैं कि ये हेनरी मूर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। नेक्स्ट है, चित्रकलाओं की श्रृंखला बिंदु निम्न में से किसके द्वारा चित्रित की गई थी? तो बिंदु श्रृंखला है SH रजा की। ठीक है, नेक्स्ट है, फारूक हुसैन निम्न में से किस दरबार के चित्रकार थे? तो फारूक हुसैन थे बीजापुर के। नेक्स्ट है, चोलमंडल कला गाँव कहाँ स्थित है? तो चोलमंडल कला गाँव है तमिलनाडु में, और किसने स्थापित किया था? KCS पन्नीकर ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समूह 1890 से संबंधित नहीं है? ठीक है, EH बोवेन, ज्योति भट्ट, रेडप्पा नायडू, ये तीनों संबंधित हैं, भूपेन खक्कर संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक तांत्रिक चित्रकार नहीं है, उसको पहचानिए। ठीक, जो PT रेड्डी थे, GR संतोष थे, वीरेन डे थे, इन ये सभी तांत्रिक कलाकार कहे जाते हैं, किंतु प्रभाकर कोल्टे तांत्रिक कलाकार नहीं है। नेक्स्ट है, उस दक्कनी स्कूल की पहचान कीजिए जो मुगल तकनीकी और सम्मेलन द्वारा प्रभावित हुआ था। ठीक है, तो बीजापुर में प्रभाव पड़ा था मुगल टेक्निक का। नेक्स्ट है, उस समकालीन कलाकार का नाम बताइए जिसका काम शटर श्रृंखला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शटर श्रृंखला, और शटर श्रृंखला पे किसने काम किया था? अतुल डोडिया ने। ठीक है, मॉडर्न आर्टिस्ट हैं ये भी, और अतुल डोडिया इनकी वाइफ भी हैं अंजू डोडिया, दोनों आर्टिस्ट हैं। इनकी शटर श्रृंखला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अंतिम यात्रा किसके द्वारा चित्रित की गई है? अंतिम यात्रा है अवनींद्रनाथ टैगोर की। नेक्स्ट है, अगर हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई 18 फीट है तो उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? ठीक है, ठीक है, तो राइट आंसर है यहाँ पे 12 फीट, क्योंकि अगर लंबाई है 18 फीट और तो उसकी चौड़ाई कितनी हुई? 12, क्योंकि इसका 3 और 2 का रेशियो होता है, तो अगर 3 है तो ये लंबाई इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 12। नेक्स्ट है, सचित्र पांडुलिपि तारीफ़े हुसैन शाही में निम्न में से किसका वर्णन है? तो तारीफ़े हुसैन शाही में अहमदनगर स्कूल का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट है, उस कलाकार का नाम बताइए जिसने लघु कहानियां विषय पर चित्रकारी की। तो लघु कहानियों पर काम किया था अर्पिता सिंह ने। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रों में सोना और दरबार के दृश्यों का उपयोग प्रचुर मात्रा में पाया गया है? तो शाहजहां के काल में जो मतलब चित्रण होता था उसमें बहुत ज़्यादा सोने का यूज़ होता था। नेक्स्ट है, कलकत्ता समूह की पहली प्रदर्शनी के अवसर पर प्रकाशित एक लेख समकालीन भारतीय चित्रकला के लिए प्राकथन निम्न में से किसके द्वारा लिया गया है? तो किसने किया था? मुल्क राज आनंद ने। नेक्स्ट है, लाल रंग में अंतिम रात्रि भोज, ठीक है, रेड कलर में है लास्ट सपर बनाया है किसने? हुसैन ने। फेमस पेंटिंग है किसकी है ये? हुसैन की, लास्ट सपर। अगर ये ऐसे पूछता है लास्ट सपर तो किसका है ये? मॉडर्न आर्टिस्ट हुसैन का। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1954 में। कई बार पूछता है ये ललित कला की स्थापना कब हुई थी,
एनजीएमए की स्थापना कब हुई थी, तो ललित कला की स्थापना भी 1954 में हुई थी। आईफैक्स की स्थापना पूछता है, तो आईफैक्स की हुई थी 1928 में। नेक्स्ट है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र किसका सूचक है, तो अशोक चक्र होता है भारत की निरंतर प्रगति और विकास का। नेक्स्ट है, उस कलाकार का नाम बताइए जिन्होंने भारतीय पौराणिक कथाओं के आधार पर देवी देवताओं के चित्र बनाए, इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होगा, राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट है, तोते की उड़ान निम्न में से किसके द्वारा चित्रित की गई है, तो तोते की उड़ान के लिए फेमस है हमारे ए रामचंद्रन, ठीक है, ए रामचंद्रन की है ये सीरीज, इसमें इन्होंने बनाया हुआ है, तो बहुत सारे फ्लाइंग पैरट्स हैं, ठीक है, रामचंद्र इम्पोर्टेंट हैं, इन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं ये, ठीक, पेंटिंग मतलब एज अ पेंटर और स्कल्प्टर फेमस है। 1935 में इनका जन्म हुआ था, कई बार जन्म जरूर पूछ लेता है किसी आर्टिस्ट का। नेक्स्ट है, उन ग्राफिक आयोजकों और माइंड मैप के उपयोग की आवश्यकता वाले कार्य निम्न प्रकार के शिक्षार्थियों के लिए सहायक हैं, ये एक्चुअली इसमें 10 क्वेश्चंस उससे भी आते हैं टीचिंग से रिलेटेड, ठीक है, तो ये हम छोड़ देते हैं अभी, 10 क्वेश्चंस के ऐसे भी हैं, ठीक है, तो ये हो गए हमारे 200 क्वेश्चंस, ठीक। आई होप आप सबको ये 200 क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे, और इसमें से आप लोग अपने मतलब आप लोग अपनी तैयारी से आपको आइडिया भी लग जाएगा कि आपको कितना अभी कितने और डीप में पढ़ना है और कितना क्या करना है, कैसे पेपर आएगा, ये सारी चीज़ों को हमने 200 क्वेश्चंस में देख लिया। बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया वीडियो, इसलिए मैंने बहुत जल्दी जल्दी भी बताया, इसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाई, और मैंने समकालीन कलाकारों पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है एक, आप लोग मेरा वो वीडियो देख सकते हैं, और उस पर और भी मैं आगे अपने वीडियो डालती रहूँगी समकालीन पे, क्योंकि अभी बैक टू बैक बहुत सारे एग्ज़ाम हैं और बहुत जल्दी जल्दी इतना सब कुछ एक साथ बनाना पॉसिबल नहीं हो रहा है, पर मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दिखा सकूँ, अपनी तरफ से जितने क्वेश्चंस बना सकूँ, मैं सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगी। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।